सभी को हमारा भाव से जय स्वामी नारायण। क्या किसी ने बोलती चलती हुई हनुमान जी की मूर्ति के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आइए एक रहस्यमय इतिहास जानें। आज इस दुनिया में हनुमान जी के मंदिर तो बहुत है, लेकिन उन सभी हनुमान जी के मंदिर में से सारंगपुर कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज का जो प्रताप है, वैसा आज इस भूतल पर कहीं नहीं है। आज सारंगपुर मंदिर में कितने भी कोई दुखे इंसान आए, उसके सारे कष्ट हनुमान जी हर लेते हैं। या फिर कोई व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस या कोई भी मलिन आत्मा से पीड़ित हो, पर यहाँ पर जब हनुमान जी के सामने आए तो कितनी भी भयानक आत्मा हो वो निकल जाती है। या फिर कितना भी बुरा साया हो, या फिर तांत्रिक विद्या, काला जादू हो, वो सब नष्ट होकर टूट जाता है। और खास बात तो ये है कि अगर बहुत प्रयत्नों के बाद भी हनुमान जी के सामने शक्तिशाली आत्मा नहीं निकलती, तब हनुमान जी के बाजू में जो लकड़ी है, उस लकड़ी से मलिन आत्मा कैसे निकलती है वो भी जानेंगे। ये हनुमान जी की मूर्ति किसने स्थापन की थी और कब की थी, आइए उसका इतिहास विस्तार से समझे। सर्व अवतार के अवतारी सर्वोपरि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण, उनके 3000 से ज्यादा तो परमहंस संत थे। वो संतगण सत्संग हेतु गांव-गांव में विचरण करते थे और सारंगपुर में भी करते थे। इस सारंगपुर गांव में 3 साल वृष्टि नहीं हुई थी और सभी जगह दुकाल व्याप्त था। इसका कारण ये था कि गांव वालों से कोई स्वामीनारायण भगवान के संत का अपराध हो गया था। फिर एक दिन आया जब भगवान स्वामीनारायण के महान संत योगी राज अक्षर मूर्ति सदगुरु श्री गोपालनंद स्वामी एक बार सारंगपुर के पास बोटाद गांव है वहां पर पधारे। अब सारंगपुर के जीवा खाचर जो भगवान स्वामीनारायण के अनन्य भक्त थे और उनके पुत्र वाघा खाचर, उनको पता चला कि गोपालनंद स्वामी अभी बोटाद में है, तो वो गांव के 5-10 आगे वालों को लेकर बोटाद स्वामी के दर्शन के लिए गए। वहां पहुंचते ही स्वामी के पास बैठकर खूब रोए। स्वामी ने कहा, क्यों रो रहे हो? तब वाघा खाचर बोले, स्वामी, 2 दुकाल सारंगपुर में है, गांव में 3 साल से बारिश नहीं हो रही, उसके कारण लोगों को और पशु आदि को बहुत पीड़ा हो रही है, और ऊपर से संतों भी विचरण के लिए नहीं आते। स्वामी, आप तो समर्थ हो, तो आप हमारा कुछ अच्छा हो वैसी आप कृपा करो, आप कृपा करके सारंगपुर पधारिए। फिर स्वामी ने कहा, ठीक है, चलो हम आ रहे हैं। गोपालानंद स्वामी सारंगपुर पधारे और आसपास घूमकर एक बड़ा सा पत्थर था उस पर हाथ रखा। दरअसल वो पत्थर एक पारिया था। अब पारिया यानी क्या, तो पहले के समय में जिनके पूर्वज धर्म के लिए मर जाते थे तो उनकी स्मृति में पत्थर का पारिया करते थे। तो स्वामी ने जो बड़ा सा पारिया था उस पर हाथ रखकर वाघा खाचर को कहा कि ये किसका है? तब वो बोले, ये तो मेरे बापूजी के बापूजी का है, जो धर्म युद्ध के लिए खप चुके थे। तब स्वामी ने कहा, इस पे हनुमान जी की मूर्ति बनाए तो? वाघा खाचर तो खुश होकर कहने लगे कि तब तो बहुत अच्छा है, मेरे पूर्वज का भी मोक्ष होगा और गांव वालों के लिए भी अच्छा है। फिर स्वामी ने कहा, ये पत्थर को दरबारगढ़ में लेकर आओ। दरबारगढ़ यानी जहाँ पर भगवान स्वामीनारायण रुकते थे, और अभी वहाँ पर स्वामीनारायण भगवान का मंदिर है, वो हनुमान जी के मंदिर के सामने है। अब गोपालनंद स्वामी ने कांजी कड़िया को कहा कि आप एक सुंदर सी हनुमान जी की मूर्ति बनाओ। अब कड़िया यानी कौन, तो जो छोटे मोटे मकान बनाते हैं और दीवारें बनाते हैं उनको कड़िया कहा जाता है। अब स्वामी ने कांजी कड़िया को मूर्ति बनाने की आज्ञा की। तब उन्होंने कहा कि स्वामी, मुझे तो शिल्प कला नहीं आती और मूर्ति कैसे बनाते हैं वो भी नहीं पता। तब गोपालनंद स्वामी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, मूर्ति बनेगी तुमसे। और स्वामी ने कागज में चित्र बनाकर दिया और कहा, ठीक ऐसे ही मूर्ति बनाना। और थोड़े समय में मूर्ति तैयार हुई। मूर्ति तैयार होने के बाद वाघा खाचर ने प्रतिष्ठा करने के लिए सदगुरु श्री गोपालनंद स्वामी को संदेशा दिया। फिर गोपालनंद स्वामी सारंगपुर पधारे और विक्रम संवत 1904
आसव वद पाचम के दिन प्रतिष्ठा का दिन आया, तब हजारों लोग वहां पर आने लगे। दिव्य वातावरण हो गया। श्री हरि के आश्रित पवित्र ब्राह्मणों से हनुमान जी की प्रतिष्ठा विधि करवाई। शास्त्रोक्त विधि विधान से मंत्र ब्राह्मण लोग बोलने लगे। ढोल नगारे मृतांग शंखनाद बजने लगे और अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचर्य वाले सदगुरु श्री सुकानंद स्वामी और सदगुरु श्री गोविंदानंद स्वामी को प्रतिष्ठा की आरती करने को कहा। उस समय अदृश्य रूप में 52 हनुमान जी वहां आकर खड़े हुए और गोपालनंद स्वामी को पूछा कि हम सब में से कौन इस मूर्ति में प्रवेश करे। तब गोपालनंद स्वामी ने केशव जीवनदास जी स्वामी को समाधि करके अक्षरधाम में जाने को कहा और भगवान स्वामीनारायण को पूछ कर आए कि कौन से हनुमान जी को प्रवेश करवाना है। तब स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि जिसने हमारी वन विचरण में सेवा की थी वो राम भक्त अंजनी सूत हनुमान जी इस मूर्ति में प्रवेश करे। और फिर ये बात केशव स्वामी ने समाधि में से वापस आकर कही। और फिर गोपालनंद स्वामी ने महाप्रभु नीलकंठ वन्नी की वन विचरण में सेवा करना राम भक्त हनुमान जी को उस मूर्ति में प्रवेश करने को कहा और हनुमान जी ने प्रवेश किया। सदगुरु सुकानंद स्वामी और गोविंदानंद स्वामी ने प्रतिष्ठा की आरती उतारी और सदगुरु गोपालनंद स्वामी की वयोवृद्ध उम्र थी इसलिए वो एक लकड़ी रखते थे। वो लकड़ी को प्रतिष्ठा के वक्त स्वामी जी ने अपने दाढ़ पर रखा और दूसरी तरफ का लकड़ी का भाग अपने राइट साइड के पाँव के अंगूठे पर रखा और हनुमान जी की मूर्ति के सामने त्राटक किया और गोपालनंद स्वामी एक ही नज़र से वो मूर्ति को देखने लगे। तब स्वामी हनुमान जी की मूर्ति में ऐश्वर्य डालने लगे। तब पूरी मूर्ति कांपने लगी, मूर्ति चैतन्य बन गई, मूर्ति को पसीना निकलने लगा, चारों तरफ तेज तेज हो गया और मूर्ति में से आवाज़ें आने लगी और मूर्ति का पूरा मुँह खुल गया। ये देखकर आसपास के लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। काफ़ी लोग ये देखकर डर गए। उस समय धोलेरा के गरास या भोजा भाई स्वामी के बाजू में ही खड़े थे। उन्होंने स्वामी जी को त्राटक से हिला दिया और स्वामी को विनंती की कि हे स्वामी, हनुमान जी की मूर्ति में इतना ईश्वर्य मत डालो। अगर आप ऐसा करोगे तो धोलेरा धाम में मदन मोहन जी महाराज के और बाजू में गढ़पुर देश में श्री हरि ने स्वहस्त पधराया हुआ उनका स्वरूप गोपीनाथ जी महाराज के दर्शन के लिए कोई नहीं जाएगा और दूसरे तीर्थधाम के दर्शन कोई करने नहीं जाएगा और वो तीर्थधामों का महिमा कम हो जाएगा। तब ये सुनकर गोपालनंद स्वामी ने अपनी दृष्टि संकलन कर ली और बाकी का ईश्वर्य स्वामी ने उस लकड़ी में खींच लिया और फिर मूर्ति कांपना बंद हुई। और तब गोपालनंद स्वामी बोले कि भोजा भाई, अगर आपने मेरा ध्यान भंग नहीं किया होता तो मैं इस मूर्ति को इतना समर्थ बना देता कि मूर्ति बोलने लगती और हाजरा हजूर हनुमान जी आते। इस घोर कलयुग में हनुमान जी की बोलने वाली मूर्ति स्थापना करना चाहता था, लेकिन कोई ना, इतना ऐश्वर्य बस है। फिर गोपालनंद स्वामी ने हनुमान जी को आज्ञा की कि यहाँ पर जो भी जीवात्मा पापिष्ट इंसान आए उसके गुनाहों के सामने देखना मत और माफ कर देना और उसके सारे कष्ट आप दूर करना और सबकी मनोकामना आप पूरी करना और जो भी उस मूर्ति के शरण में आते हैं वो शरणार्थी का कष्ट दूर हो, इसलिए मूर्ति का नाम कष्टभंजन देव हनुमान जी रखा। तब से लेकर आज तक अभी भी कष्टभंजन देव और सद्गुरु गोपालनंद स्वामी हनुमान जी के दरबार में आने वाले लोगों का कष्ट दूर करते हैं और कितना भी भयानक भूत प्रेत डाकिनी साकिनी चुड़ैल जंड जोड़ वैताल भैरव ब्रह्म राक्षस कृत्या यक्षिणी पिशाच आदि के प्रवेश से पीड़ा सहन करने वाले लोग अगर इस कष्टभंजन देव के शरण में आते हैं तो उनके कष्ट तत्काल दूर होते हैं। अरे इतना ही नहीं, सारंगपुर के सीमाड़े में अगर पीड़ित व्यक्ति आए इतने में तो उसके ऊपर जो साया है वो चिल्लाने लगता है। और जानने जैसी तो ये बात है कि जो लोग आत्माओं से पीड़ित होते हैं उनके निवारण के लिए हनुमान जी के स्तोत्र मंत्र नाम जाप चलता है, पर कुछ कारणों से अगर व्यक्ति के अंदर से बलवान वेताल भैरव या मलिन देव कुछ बोल ना रहे हो या फिर उस व्यक्ति के अंदर से ना निकल रहे हो तब स्वामीनारायण महामंत्र की धुन करने में आती है। और फिर उस समय जो हनुमान जी के पुजारी है वो स्नान करके शुद्धिपूर्वक
जो सदगुरु गोपालानंद स्वामी जी की ऐश्वर्य वाली लकड़ी है, उसको जल में भिगोकर वो जल का छिड़काव करते हैं और लकड़ी का स्पर्श करते हैं उस पर, तब कितना भी भयानक शक्तिशाली आत्मा हो वो जलने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है और वो व्यक्ति में से मलिन आत्मा निकलकर हमेशा के लिए भाग जाती है और वो आत्माओं का मोक्ष भी होता है। ये लकड़ी हनुमान जी के बाजू में ही रखी जाती है। दरअसल प्रतिष्ठा के बाद गोपालानंद स्वामी ने वो लकड़ी देकर कहा था कि जब कोई भी उपद्रव दूर नहीं होता तब इस लकड़ी को भिगोकर उसका जल का छिड़काव करना, इससे वो उपद्रव दूर हो जाएगा। सारंगपुर हनुमान जी के दरबार में आने वाली आत्माएं हनुमान जी से संवाद भी करती है, वो वहाँ पे सुनने को भी मिलता है। और जो पीड़ित लोग होते हैं वो जब ठीक हो जाते हैं तब उनको स्वामीनारायण महामंत्र और हनुमान जी का मंत्र ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा, ये मंत्र का जाप करना होता है। सदगुरु मुक्तानंद स्वामी का मारुति स्तोत्र जो उन्होंने रचा है, उसका पाठ करने से पीड़ित व्यक्ति को मलिन आत्मा से मुक्ति मिलती है। आज देश विदेश से हजारों लाखों लोग इस हनुमान जी के दर्शन के लिए हर रोज आते हैं। आते वक्त दुखी होते हैं और वापस हंसते हुए जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं ये मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये मंदिर इंडिया में गुजरात स्टेट में बोटाद डिस्ट्रिक्ट के पास सारंगपुर में स्थित है। अहमदाबाद सिटी से 146 किलोमीटर पड़ता है। इस मंदिर में 24 घंटा गर्मा गर्म खाना मिलता है और बिल्कुल मुफ्त है और रहने की भी व्यवस्था है। ये मंदिर का संचालन वड़ताल गादी स्वामीनारायण मंदिर से संचालित है। जिंदगी में एक बार कष्टभंजन देव के दर्शन करने जरूर आना। दर्शक मित्रों, ये तो मंदिर के इतिहास की बात की, और अब साथ साथ बाहर के लोग अगर गुजरात आते हैं तो भगवान स्वामीनारायण ने जो 6 मंदिरों की स्थापना की है वहाँ पर दर्शन करने का लाभ भी जरूर लेना, क्योंकि आज इस पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान श्री हरि ने विचरण किया है वो महातीर्थ है। उनमें से सारंगपुर के पास गढ़ड़ा गांव है जो गढ़पुर धाम से जाना जाता है। वहाँ पे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण भगवान स्वामीनारायण 28 साल तक रहे थे और इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च तीर्थ है, तो वहाँ पे दर्शन का लाभ जरूर लेना और वहाँ पे उन्मत्त गंगा में स्नान जरूर करना और हो सके तो वड़ताल धाम भी जाना। वहाँ पे सर्व अवतार के अवतारी भगवान स्वामीनारायण का हरि कृष्ण महाराज स्वरूप जो उन्होंने खुद स्थापन किया था, जो अक्षरधाम का 16 साल का सदा किशोर अवस्था वाला स्वरूप भगवान नारायण का है, हरि कृष्ण महाराज को प्रार्थना करने से मनोवांछित फल मिलता है और सब प्रार्थना फलीभूत होती है। और आखिर में इतना ही कहूँगा कि सदगुरु गोपालानंद स्वामी कौन थे, उनका ईश्वर्य क्या था, विशेष जानना हो तो गुजराती लैंग्वेज में बहुत वीडियोस है, वो मैं वीडियो के आखिर में रख दूंगा और डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक भी रखा है। और भगवान स्वामीनारायण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, उनके रिलेटेड वीडियोस और उनके चरित्र आपको इस चैनल पर प्राप्त होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सभी हनुमान भक्तों को शेयर करना ताकि उनको भी इस इतिहास के दर्शन हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि भविष्य में जो वीडियो रखने में आए वो आपको प्राप्त हो।